तो दोस्तों नए कैरेक्टर का इन्फॉर्मेशन फाइनली ऑफिशियली आ चुका है, तो मैंने गेम को बीटा वर्जन में अपडेट कर लिया। जिन लोगों का आ चुका है वो अपडेट करके देख सकते हैं। तो इसका नाम स्ट्रिक्स है, ना कि एपेक्स डिफेंडर। हम लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, इसका नाम पहले ही से पता चल गया था, लेकिन हमें बताना मना था। तो मैंने तो कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाई क्योंकि मुझे पहले ही से पता था कि इसका नाम क्या है, तो मैं कोई गलत नाम बता के मैंने अपना कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाया। तो नाम स्ट्रिक्स है और फिर इसका पोजीशन आप देख सकते हो, सेंटर है, एपिक कार्ड है। सेंटर मैंने नहीं सोचा था, मुझे लगा था ये वाइल्ड कार्ड होगा, इसलिए क्योंकि वाइल्ड कार्ड लास्ट टाइम जो अपना आया है वो येगर आया था और उसके बाद से अभी तक वाइल्ड कार्ड नहीं आया है। ये भी सेंटर हो गया, इससे पहले नूट आया था सेंटर में, तो पता नहीं वाइल्ड कार्ड कब आएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसका जो गन है उसका नाम डार्क क्लॉज है और इसकी जो एबिलिटी है वो है फ्रोजन डैश, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये इसका गन है और इसका जो एबिलिटी है उसका मैं थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। फ्रैग वालों ने उसका वीडियो डाला है, वही आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसके वेपन का नाम है डार्क क्लॉज, जो कि एक डुअल पिस्टल है और फ्रैग वाले बता रहे हैं कि इसका फायर रेट हाई होने वाला है और जब कोई अपोनेंट को मारोगे इससे तो वो स्लो डाउन भी हो जाएगा। तो इसकी एबिलिटी का नाम फ्रोजन डैश है, जिसे यूज करके ये फ्रोजन मिस्ट छोड़ सकता है और जितना ज्यादा ये एबिलिटी चार्ज होगा उतनी दूर तक ये फ्रोजन मिस्ट को रिलीज कर पाएगा और इसके चपेट में अगर कोई एनिमी ज्यादा देर तक लिए आता है तो वो स्लो डाउन और स्टन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे नए कैरेक्टर स्ट्रिक्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।